गरीबी अस्सलाम वालेकुम पढ़ाऊं पढ़ाऊं ये नथी हले छा कैमरा अच्छा ठीक हे स्ट्रक्चर ठाई आ दिसो आने मां जो को टॉपिक स्टार्ट कयां दो मां जो को टॉपिक पढ़ायां दो वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ये चवा मां स्केलेटल मसल अल्ट्रा लफ्ज की माना छा हुंदी आ याद कयो अल्ट्रा लफ्ज की माना है जाते एक का वधिक शय इन्वॉल्व होजन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर चाहे दो ना माना सबनी मायोफिब्रिल जी स्ट्रक्चर पढ़नी आ सबनी मायोफिब्रिल के अस स्ट्रक्चर पढ़ाऊं तेंगो एकड़े सार्कोमेयर जी स्टडी कयाऊं ना एकड़ो सार्कोमेयर बियो सार्कोमेयर ट्रियो सार्कोमेयर अस पढ़ी आया हूं सार्कोमेयर मिली करे मायोफिब्रिल ठाइंदा है मायोफिब्रिल सबई एक जड़ा है माना सार्कोमेयर जी स्ट्रक्चर पढ़दा से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में ये ना एग्जामिनर यो सवाल वारो जो आरूबरू टॉपिक वारो चाहे तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल सही तो चवे अरूबरू न तो चवे पर माना अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो मतलब आ कहीं जी स्ट्रक्चर पढ़दा से अस इन जी सार्कोमेयर जी तो शुरू क्यों हाँ स्टार्ट क्यों कम के थोड़ो जो आ रिपीट कराइण पवो कुछ क्लास के अंदर कोर्स अगे आ किथे कोर्स पोते आ इन करे कुछ पॉइंट्स मां रिपीट कयां दो उन बाद कोर्स तुम इक्वल बस पंज मिंट रिपीट करणो पवो टॉपिक उन बाद अगते हलंदा हलदे ठीक है बाबा ओके हाँ एडिन सभी एडिन ठीक है अचो 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 हाँ बुधाईंदा हलो माखे कमेंट में जल्दी अगमें माखे या गाल बुधायो जेका मायोसिन आ मायोसिन जेका प्रोटीन आ मायोसिन जो जेको थ्रेड आ उनमें घणा प्रोटीन जा मालिक्यूल होया मायोसिन जे थ्रेड में 300 एकड़े मायोसिन में घणा पार्ट होया एकड़ो हेड बियो टेल ऐ विच में फ्लेक्सिबल पोर्शन होयो बिल्कुल बिल्कुल ओके आ थ्री पार्ट्स बिल्कुल सही आ अच्छा जेको एक्टिन आ उन जे अंदर टे किस्म जो प्रोटीन है एक्टिन जे अंदर टे किस्म जो प्रोटीन है ये ब्लैक कलर वारू जो ये प्रोटीन ठाया हैं ये छाने एक्टिन सही आहे वारी ब्लैक वारू विच में जो ब्लू कलर जो ठाया ये ट्रोपोमायोसिन उन बाद असा ठाया था रेड कलर जो प्रोटीन्स रेड कलर जो प्रोटीन जैके अस चौंता अलाय छा कमेंट में लिखो चौंता कमेंट में लिखो ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन जेके प्रोटीन इन बाबा जेके ट्रोपोनिन प्रोटीन इन अस रिपीट कंदो बीठो हाँ टे किस्म जो हुयूं एकड़ी ट्रोपोनिन जो नालो हुयो ट्रोपोनिन आय अलाय छा कंदी कमेंट में लिखो बुधायो जल्दी बी आ ट्रोपोनिन सी अलाय छा कंदी आ कमेंट में लिखो टी जो फंक्शन आ ट्रोपोनिन टी इन जो फंक्शन मां क्लियर न बुधायो यो मां बुधाया दो हलो ट्रोपोनिन आए इनहिबिशन कंदी ये ना इनहिबिशन कंदी क्रॉस ब्रिज जे ठहण में ट्रोपोनिन सी कैल्शियम सा बाइंड थींदी जडे क्रॉस ब्रिज ठहंदी ट्रोपोनिन टी जो फंक्शन बुधो ट्रोपोनिन टी के समझण जे लाए तां के एक्टिन पढ़नी पैंदी त एक्टिन जा ब रीजन इन एकड़ो एफ एक्टिन बियो जी एक्टिन अगर याद हुए तो एफ एक्टिन जी एक्टिन ग्लोबुलर पार्ट हो जी एक्टिन किडनी वांगुर हो जी एक्टिन एक्टिव साइट ठाए पयो जी एक्टिन बाइंडिंग साइट ठाए पयो सही तो चवा मां जी एक्टिन खां जेको ओपन पार्ट आ बियो जेको जी एक्टिन खां ओपन पार्ट आ ड्रगो यो एफ एक्टिन आ फाइब्रस एक्टिन आ जी जो मतलब हो ग्लोबुलर वेरी गुड ओके बाबा हाने बुधो मां तां खां सवाल पुछांदो एरे दिसो गौर सां बोर्ड डी दिसो गौर सां ही साकेट आ जी एक्टिन आ माना साकेट आ अगर इन साकेट जे अंदर काई चेन अची वञे हीअं काई हीअं प्रोटीन अची वञे साकेट जे अंदर त साकेट त ब्लॉक थी वियो न अबा जे साकेट ब्लॉक थी वियो त एक्टिन मायोसिन यानी क्रॉस ब्रिज ठहंदी अगर का प्रोटीन एक्टिव साइट में वेजी वही हाँ न ठहंदी न वेरी गुड त
त इते जेका वेहण वारी प्रोटीन आ दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन साकेट में अचे थी। कदें अचे थी? इनहिबिशन खां बाद। कदें अचे थी? ट्रोपोमायोसिन साकेट ते एक्टिव साइट ते जी एक्टिन जे बाइंडिंग साइट ते इनहिबिशन खां बाद। माने इनहिबिशन कोन थी करे, इनहिबिशन खां बाद अचे थी। इनहिबिशन आए करे थी, सही आ, ट्रोपोनिन आए हे बाद में अचे थी। तो भला बुधो, बाद में या पहिरियां आई त आहे न, इनके हाणे रिमूव कजे न बाबा। इनके रिमूव करण जो ठीको खयल आ कंहिंजो? इनके रिमूव करण जो ठीको खयल आ ट्रोपोनिन टी जो। पहिरियां मूंखे ॿुधायो ट्रोपोनिन टी कंहिंसां अटैच थींदी, इहो मां कल्ह पढ़ायो हुयुमि। त ट्रोपोनिन टी जेका आहे उहा अटैच थींदी ट्रोपोमायोसिन सां। पोइ मां चयो हुयुमि, क्वेश्चन मार्क ॾेई छॾियो त अले छा कमु अथसि, हा न, ठीकु आहे। त ट्रोपोनिन टी जो हाणे छा कमु नज़र अचे थो? इहो कमु नज़र अचे थो ट्रोपोनिन टी जो, त ट्रोपोमायोसिन सां अटैच थी करे ट्रोपोमायोसिन खे साकेट खां परे करे थी, बाइंडिंग साइट खां परे करे थी, रिमूव कराए थी। माना जेका एक्टिव साइट आहे उनखे फ्री कराए थी। ट्रोपोनिन टी जो फंक्शन छा आहे? बाइंडिंग साइट खे छा कराइणु, बाइंडिंग साइट खे छा करणु, फ्री कराइणु। वेरी गुड, रटो लॻाए छॾियो त अॻिते पढ़ूं था। अचो बाबा, अचो हाणे, अचो हाणे मां ॻाल्हि कयां थो अॼु जी, ठीकु आहे। अञा थोरी ॻाल्हि रिपीट रहियल आहे, थोरो तव्हां साथ ॾींदव त मिंट में मां रिपीट करे वेंदुमि। अवा हे मां ठाही आहे, मूंखे लॻे थो ओहे वारी स्ट्रक्चर ज़ेड लाइन, ठीकु आहे। मां डॉट डॉट सां हिनखे ॾेखारियां थो तव्हांखे, ओहे वारी, हे वारी स्ट्रक्चर असांजी थी वई हे ज़ेड लाइन, ठीकु आहे। हितां खां हेसि ताईं सही थो चवां, ज़ेड लाइन आहे। कमेंट में लिखंदा हलो, ओके आहे चओ, ठीकु आहे। वरी हे बि असांजी थी वई ज़ेड लाइन, ठीकु थी वियो बाबा। हे ज़ेड लाइन, ज़ेड लाइन जे विच में हे जेको गेप आहे, स्पेस आहे, हे सॼो असांजो हितां खां वेंदे हिन रीजन ताईं इहो छा थी वियो? इहो थी वियो सार्कोमेयर, ठीकु आहे। सार्कोमेयर में हे जेका प्रोटीन आहे, हे एक्टिन आहे, एक्टिन एक्टिन ऐं हे वारी मायोसिन आहे। रटे वारी ॻाल्हि आहे, ॿुधायो मूंखे, हिकिड़ी मायोसिन जे अराउंड एक्टिन घणियूं? मां त ॿ ठाहियूं आहिनि, पर घणियूं हूंदियूं आहिनि? छह। वेरी गुड, छह एक्टिन अराउंड हूंदियूं आहिनि हिकिड़े मायोसिन जे। त बाबा मां छा ग़ौर सां ॿुधो, हाणे ज़ेड लाइन ऐं ज़ेड लाइन जे विच में हीउ जेको बेंड तव्हांखे नज़र अचे थो, जिते उहे सिर्फ़ु एक्टिन आहे, एक्टिन आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एक्टिन आहे, उहो हितां खां वठी हिन रीजन ताईं, ज़ेड लाइन खां बाद इहो रीजन आहे आई बेंड। छा? आई बेंड, आइसोट्रॉपिक, इन जो फुल फॉर्म आहे आइसोट्रॉपिक, ठीकु आहे। पोइ पढ़ायां थो इन ॻाल्हि खे। ऐं उन खां बाद बाबा ॾिसो, हाणे हितां खां बाद हितां एक्टिन त हेसि ताईं आहे, आई बेंड हेसि ताईं न आहे जेतिरी एक्टिन आहे। आई बेंड कहिड़ो आहे? जेसि ताईं सिर्फ़ु एक्टिन आहे। माना एक्टिन जो कुझु हिसो मायोसिन ते ओवरलेप बि आहे, उहो आई बेंड में काउंट न कयो हुयोसीं। जिथां खां मायोसिन शुरू थिए थी जेसि ताईं मायोसिन आहे, जितां खां मायोसिन शुरू थिए थी जेसि ताईं मायोसिन आहे, इहो जेको ज़ोन हुयो ओ हितां खां वेंदे ओ हिन रीजन ताईं, इहो बेंड आहे ए बेंड, ए ट्रॉपिक बेंड। ए बेंड जो फुल फॉर्म छा आहे? ए ट्रॉपिक, एनाट्रॉपिक, एनाट्रॉपिक या एनाट्रॉपिक बेंड, सही आहे, ठीकु आहे। ए बेंड हाणे अचो ॾिसो, ए बेंड खां वरी पोइ आख़िर में वरी हे छा आहे, कहिड़ो बेंड आहे? तव्हां चयो सर साॻियो ई जेको आहे त आई बेंड आहे, ठीकु बाबा। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झो ग़ौर सां, हे आई बेंड आहे हिन सार्कोमेयर जो, हिन ज़ेड लाइन खां परियां। ज़ेड लाइन थोरी थिक आहे, थोरी थिक आहे छाजे करे उते वकड़ आहिनि। इन खां बाद वरी कहिड़ो बेंड हूंदो? कमेंट में त लिखो, आई बेंड हूंदो, गुड आहे। अब हाणे ॻाल्हि ॿुधो हिकिड़ी, मूंखे ॿुधायो, डार्क बेंड असां चऊं ए बेंड खे आई बेंड खां, आई बेंड लाइट बेंड आहे, ठीकु आहे। पर आई ए बेंड जे अंदरि हीउ रीजन तव्हां ॾिसो, ओ ही वारो, कहिड़ो रीजन? ओ ही वारो रीजन जंहिंमें
जैमें सिर्फ मायोसिन ना मायोसिन का अलावा का भी शय ना ओ ही रीजन दिसो आए थे इते आए का भी शय सिर्फ मायोसिन ना तो यो जो को रीजन आ इनी रीजन के असा चाहूं था अलाए छा कमेंट में लिखो छा चाहूं था बाबा लिखो तो कमेंट में इनी के चाहूं था एच जोन है ना वेरी गुड एच जोन चाहूं था इनी के भला बुधो सजे ए बैंड के एच जोन चाहिए सकूं था सजे ए बैंड के एच जोन ना एच जोन केड़ो आ जाते सिर्फ मायोसिन ना अच्छा भला बुधो मां तांगे पढ़ायो होयो त जेको हिते एकड़ी बी प्रोटीन हुई हिते एकड़ी प्रोटीन हुई मां ब्लू कलर सा ठाया दो हिते प्रोटीन जेका फाइब्रस प्रोटीन हुई हिया अरेंज थेला सार्कोमेर जे अंदर सही आ अलोंग विद लेंथ ना साइड टू साइड अरेंज थेला इनी प्रोटीन के नालो दिनो होयो से एम लाइन छा चयो से इनी के ओ ही करे लिखौंस ता इनी के चयो से एम लाइन फाइब्रस प्रोटीन आ एकड़ी जेका अलै केड़ो कम होयो इनी जो बुधायो ता कमेंट में मां ता के बुधायो होयो त इनी एम लाइन प्रोटीन जो कम आ जेके मायोसिन बीठियो इने उनन के पेंजी फिक्स पोजीशन ते बिहारण ओके थियो एस ताई ओके आ बाबा हाने माखे बुधायो पहरे नंबर ते जेको लाइटेस्ट जोन आ वो केड़ो आ आई बैंड पहरे नंबर ते जेको डार्केस्ट जोन आ वो केरा वो ए बैंड आ पर ए बैंड जो भी वो रीजन जाथे मायोसिन ते एक्टिन ओवरलैप आ त डार्क में डार्क जेको जोन आ सांजो वो है ए बैंड जो वो रीजन आ जाथे मायोसिन सा गडो गड एक्टिन भी आए वधिक मोटो थी वेंदो ना बा है ना ठीक आ वेरी गुड एस ताई गाल ओके थी वही हण मा ता का कुछ सवाल पूछा कमेंट में जल्दी में बुधायो त पो अगते हलौंदा पाण माखे बुधायो वो केड़ो जोन आ जेंजी साइज जका है त डिक्रीज थी वेंदी केड़ो जोन आ आई पो बुधायो एच जोन गुड आ आई बियो बुधायो त जेको एच जोन आ उन जी साइज डिक्रीज छो थींदी ये गालियों ब बुधायो त पो पाण जेको आ त अगना हली करे पढ़ूं था अल्ट्रा स्ट्रक्चर खां बाद मैकेनिज्म के थोड़ी डिस्कस कयूं ऐं मैकेनिज्म खां बाद अज चैप्टर पूरो करे ऐं नेक्स्ट टॉपिक ते मूव करण जी कोशिश कयूं ठीक आ ठीक बाबा अचो हाँ एक्टिन मूव कंदो हाणे ॾिसो हे जेको आ न जेड लाइन मूव करे ईंदी जेड लाइन मूव करे ईंदियूं हे ईअं ओवरलैपिंग थींदी कीअं किथे पढ़ियो होसीं असां पढ़ियो होसीं मां हे बि ॻाल्हि थोरी रिपीट करे वठां त ईअं सम्झो पढ़ंदा हलूं था हे शयूं इंपॉर्टेंट आहिनि ॾाढियूं जंहिंजे करे घणी हिननि ते डिस्कस कंदा बीठा आहियूं ॾिसो बाबा ही मायोसिन आहे न मायोसिन जो जेको ही थ्रेड आहे मेन इहो मेन जेको थ्रेड आहे इहो मायोसिन जे टेल जो ठहियलु आहे यादि आहे ईअं न मायोसिन जे टेल जो ठहियलु आहे ऐं मायोसिन जो जेको फ्लैक्सिबल पोर्शन आहे ओ ही ॿाहिरि आहे ऐं उन खां बाद हे मायोसिन जो हेड आहे ठीकु थी वियो हाणे ही जेको हेड आहे जंहिंखे बल्बस हेड चयो हुयोसीं इहो बाइंड थींदो एक्टिन जे सॉकेट सां यानी जी एक्टिन सां एड थींदो पर असांजे बुक में इहो ईअं एड थियलु आहे एफ एक्टिन ते जी एक्टिन जी फिगर ई न आहे ठीकु आहे मां सम्झाइण जे करे तव्हांखे ईअं जी एक्टिन ठाहे ॾेखारी आहे त जी एक्टिन जी शेप ईअं हूंदी अच्छा उन खां बाद असां पढ़ियो आहे मैकेनिज़म पढ़ियो आहे त जेका एक्टिन आहे उहा जॾहिं क्रॉस ब्रिज ठहंदी बल्बस हेठि जॾहिं अटैच थींदो कॾहिं अटैच थींदो ॻाल्हियूं कंडीशन आहे ॿुधो अबा ट्रोपोनिन टी अटैच थिए ट्रोपोमायोसिन सां साकेट मां उहा निकिरी वञे ट्रोपोनिन सी अटैच थिए कैल्शियम सां पोइ ब्रिज ठहंदी सही थो चवां न मां इहा ॻाल्हि पढ़ीसीं ठीकु आहे पोइ ब्रिज ठहंदी
पो ब्रिज जडे ठंदी त ब्रिज ठहण खां बाद एकड़ो मैकेनिज्म ऑपरेट थे दो जको हाने मैकेनिज्म पढ़दा से कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक आ मां रिपीट कया दो बुदो मां चवा दो पण पढ़यो होयो से त मसल जी कॉन्ट्रैक्शन जे लाय पहरिया जका इन त ब प्रोटीन कम कनियो ट्रोपोनिन सी आई ट्रोपोनिन डी जका ट्रोपोनिन सी आ हुआ कैल्शियम सा अटैच थींदी जका के ट्रोपोनिन टी आ हुआ ट्रोपोमायोसिन सा अटैच थी करे सॉकेट के फ्री करदी ओडा सॉकेट फ्री कयो का ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन के परे करे आई उन खां बाद ओडा मन ट्रोपोमायोसिन आई ट्रोपोनिन टी बिनी गरजी कम कयो सॉकेट के फ्री कयो ठीक आ भाई गरजी कम करिन दियो पर मेन रोल ट्रोपोनिन टी जो आ जका ट्रोपोमायोसिन सा अटैच थे दी बियो कैल्शियम वारी जका है ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन जा टे मालिक्यूल इन ना ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी ट्रोपोनिन डी आई टी आई सी जके ने उए मसल जे कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करंदा है हो जको आ जको इनहिबिशन करे दो ठीक थी हो हाने अचो त इन मैकेनिज्म के पढ़ाऊं त असा चयो से हे एक्टिन इन तरफ इंदी हे एक्टिन इन तरफ इंदी जरे ब्रिज ठांदी अबा ब्रिज किया ठाई से त हेडा बल्बस हेड इंदो होडा एक्टिन जो सॉकेट इंदो जी एक्टिन ट्रोपोनिन सा मिसाल जी गाल आ कैल्शियम अटैच थींदो ट्रोपोनिन सा हेडा जको एटीपी आ हुआ बल्बस हेड ते अटैच थींदी एटीपी बल्बस हेड ते अटैच थींदी एटीपी कन्वर्ट थींदी एडीपी में आई जका एडीपी आ जी उनी मा एनर्जी रिलीज थींदी त एनर्जी दिनी वेंदी कंहिंखे एनर्जी कंहिंखे ॾिनी वेंदी बल्बस हेड ऐं एक्टिन जो जेको कॉम्प्लेक्स आहे उन खे त उहा जेका एनर्जी यूटिलाइज़ थिए थी ए टी पी उहा किथे थिए थी गौर सां ॿुधो ए टी पी यूटिलाइज़ थिए थी उहो हिन झटके में उहो हिन झटके में कहिड़ो झटको हे झटको कहिड़ो आहे इहो झटको इहो उहो झटको आहे जॾहिं बल्बस हेड पंहिंजो फ्लैक्सिबल पोर्शन यूज़ करे एक्टिन खे ओवरलेप कराए थो सही आहे इते ए टी पी ख़र्चु थिए थी ऐं हिकिड़ी ए टी पी हिकिड़े ब्रिज ते यूज थींदी हा बाबा जी एक्टिन सां अटैच थींदो न जी एक्टिन मां जनरली एक्टिन चवांदो न हा बाबा जी एक्टिन सां एड थींदो न ॻाल्हि त इहा ई कंदा चवंदा न मां एफ एक्टिन चयो छा मां एफ एक्टिन त कोन्हे चयो मुंहिंजे ख़्याल में त हा एफ एक्टिन ॿुधायो थोरो एफ एक्टिन फाइबरस एक्टिन आहे हा हा 160 जी स्पीड सां त ॻाल्हि यादि आई त इहो जेको सिस्टम आहे न तमामु फास्ट आहे ॾाढा ॾुखिया हो ॿार हलो ॾिसो बाबा ॾिसो हाणे मैकेनिज़म ॾिसो जल्दी त पाण अॻिते हली करे जेको आहे त बोन खे पढ़ूं हाणे जेको कंट्रोल आहे मां हे पढ़ायां न त तॾहिं बि तव्हांखे ईंदो पर मूंखे ॿुधाईंदा वञो मूंखे ॿुधायो पहिरियां असांखे खपे हिकिड़ो केमिकल जंहिंजो नालो आहे एसीटाइल कोलीन खपे न एसीटाइल कोलीन खोपड़ी ॾांहुं मैसेज मसल जे कॉन्ट्रेक्शन जे लाइ एसीटाइल कोलीन अची करे पहुचंदो किथे सार्कोलेमा ते ट्यूब हुया माखऊं विसरी विया आहिनि कमेंट में लिखो अलाए कहिड़ा ट्यूब हुया ठीकु आहे टी ट्यूब्यूल हुया टी ट्यूब्यूल एसीटाइल कोलीन खे ट्रांसपोर्ट कराईंदा यादि कयो टी ट्यूब्यूल हुया सार्कोलेमा में इनफोल्डिंग हुई सार्कोलेमा जी मायोफिब्रिल्स जे अंदरि मायोफिब्रिल ईअं न हूंदा आहिनि त मायोफिब्रिल में स्पेस हूंदी आहे स्पेस न हूंदी आहे मायोफिब्रिल में स्पेस हूंदी आहे स्पेस सां अरेंज थियल हूंदा आहिनि मायोफिब्रिल ठीकु आहे छो स्पेस हूंदी आहे स्पेस हुजे त कॉन्ट्रेक्शन जे टाइम ते विड्थ वधे न स्टिफनेस थिए न अॻे ई स्टिफ हुजनि त पोइ कॉन्ट्रेक्शन जे टाइम ते असांजा बायसिप कॉन्ट्रेक्ट ईअं स्टिफ न थियनि हा न पहिरियां जेका आहे त स्पेस हूंदी आहे इनजे करे उन्हनि स्पेस मां ट्यूब वग़ैरह गुज़रंदा ईंदा आहिनि मैसेज ईंदी आहे ऐं एंडोप्लाज़्मिक रेटिक्यूलम जे ट्यूब्स जे ज़रिए जेको आहे त छा ईंदो आहे कैल्शियम ईंदो आहे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जे ट्यूब्स जे जरिए कैल्शियम इंदो आ एम लाइन फिक्स आ ए बैंड फिक्स आ ठीक आ एच जोन जेको आ त खत्म थे तो जेका जेड लाइन सुरी मूव करे अचे थी सही आ बुक में दिसो ना फिगर के ठाए करे ता अब हाने दिसो एसिटाइल कोएंजाइम जी एसिटाइल कोलीन जी गाल क्लियर आ पहरी गाल बे नंबर ते जी एसिटाइल कोलीन आयो त जेको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ वो छा रिलीज कंदो कैल्शियम रिलीज कंदो कैल्शियम रिलीज थींदो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मां अची करे पो मसल दे इंदो सार्कोमेयर जे अंदर इंदो सार्कोमेयर में माइक्रोफिलामेंट्स ते इंदो अलाए केड़ी ट्रोपोनिन आ जें ते कैल्शियम फाइनली वनी बाइंड थींदो फाइनली वनी कैल्शियम काथे बाइंड थींदो ट्रोपोनिन सी ते ठीक आ उन खां बाद टे नंबर ते मोस्ट इंपॉर्टेंट शै आ असां जे लाइ एटीपी हाणे समझणी इहा ॻाल्हि आहे त पहिरीं ॻाल्हि त हिकु जेका क्रॉस ब्रिज ठहे थी हिकु जेका क्रॉस ब्रिज ठहे थी उहा कीअं ठहे थी ऐं हिकु क्रॉस ब्रिज में जेका आहे त हिकु एटीपी ख़र्च थिए थी सिंगल एटीपी ख़र्च थिए थी हिकु एटीपी ठीकु आहे हिकु बल्बस हेठि हिकु जी एक्टिन सां हटे थिए थो त हिकु एटीपी ख़र्च थींदी कॉन्ट्रेक्शन जे दौरान रिलैक्सेशन जे दौरान न कॉन्ट्रेक्शन जे दौरान ओन झटके में ठीक आ जॾहिं फ्लैक्सिबल पार्ट बल्बस हेठि मूव कराईंदो ठीक आहे एटीपी ईंदी अॻु में उते पई हूंदी ब्रेक थींदी डिज़ोल्व थींदी हाइड्रोलाइज़ चऊं हाइड्रोलाइज़ थींदी पर यूज़ जेका थींदी उहा झटके में यूज़ थींदी जॾहिं एक्टिन खे ओवरलैपिंग कराईंदो बल्बस हेठि ठीकु आहे ओके बाबा त मां पुछां तव्हां खां होॾे पाण फिगर ते ॻाल्हायूं था हली करे मां चवां थो ॻाल्हि ॿुधो एटीपी अची बल्बस हेठि ते वेठी एटीपी अची करे बल्बस हेठि ते वेठी उते जेका आहे त एटीपी हाइड्रोलाइज़ थी आहे कन्वर्ट थी आहे छा में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट थी आहे हिन मां जेका एनर्जी रिलीज़ थिए थी जेका हिन मां एनर्जी रिलीज़ थिए थी हिन एनर्जी खे यूज़ करे ओ उहो झटको लॻाइजे थो यूज़ करे उन खे यूज़ रिलीज़ थियल एनर्जी खे यूज़ कयो वञे थो किथे यूज़ कयो वञे थो ओवरलैपिंग जे लाइ जेका ओवरलैपिंग करे थी एक्टिन मायोसिन ते बल्बस हेड कराए थो या जेका इहे मूवमेंट आहे बल्बस हेड जी उन जे दौरान एटीपी जी एनर्जी ख़र्च थिए थी सही आहे एटीपी ख़र्च थींदी त बल्बस हेड झटको लॻाईंदो न त धिको मुफ़्त में बल्बस हेड न ॾींदो एक्टिन टुवर्ड्स एम लाइन मूव कंदो आहे बिल्कुलु एक्टिन टुवर्ड्स एम लाइन मूव कंदो आहे हा इनवर्ट टोटल घणियूं एटीपी बाबा हिकु एटीपी हिकिड़े बल्बस हेठि ते इस्तेमालु थींदी हिकु एटीपी हिकिड़े बल्बस हेठि ते इस्तेमालु थींदी हाणे एसिताईं पंहिंजो मसल जो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो पूरो थियो मसल खां बाद स्क्रीनशॉट वठो त मां तव्हांखे जेको आहे त पढ़ायां जी पेन हा अब आप पढ़ूं अगते पढ़ूं बोन के पढ़ूं नन्ना टेस्ट ना है मंडे दे अचो इन के मां मिटाया ए शे मां फिगर तांजे करे अगर मैं तड़े ठाए छड़ी तो इन ते टाइम लगे या हरू भरू आई या शे तांजी समझली क्विक रिकेप थियो तकड़ो तकड़ो ठीक आ
इन के समझल कि एच जोन डिक्रीज थी ये अकल वाले लेक्चर में समझो से तो चक्कर आ मसलो आ ठीक आ। हाँ बाबा असो टॉपिक जो बोन वो रल आ फिजिकल वे बार बुधाया हो बोन भी टॉपिक है। ऑनलाइन वारा बार निंड पया हुआ उनके खबर को हुई हलो माशाला खबर पैजी वही तो यो भी टॉपिक हो न तो छजी वे हाँ ठीक आ। बोन स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंडोस्केलेटन ना पढ़ो सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ो आ ठीक आ। स्ट्रक्चर ऑफ बोन अच्छा पो आर्थराइटिस बीमारी भी पढ़नी है आर्थराइटिस सही आ। स्ट्रक्चर ऑफ बोन जी अगर गाल कयूं तो जेको बोन आ वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू आ। कनेक्टिव टिश्यू उनके चवंदा आं जेको बॉडी जे कई पार्ट्स के पान में जोड़े अबा हडन जे जरिए बॉडी जुड़ेल आ ना पान में हडा न होजन तो बॉडी जा पार्ट्स कि होजन आ हाँ सपोज कयो असानी स्ट्रक्चर अले कि होजी आ गोश्त वांगुर मांस वांगुर हुजऊं आ हडन जे करे बॉडी जा पार्ट्स जुड़ेल आहिनि जंहिंजे करे हॾा असांजा कनेक्टिव टिश्यू आहिनि पर कहिड़ा हार्ड सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू आहिनि। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू आहे पर सॉफ्ट सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू आहे। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू आहे पर उहो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आहे ठीकु आहे। उन खां बाद जेका असांजा बोन आहिनि उहे बोन जे अंदरि बोन सेल्स जा टिश्यू आहिनि। बोन सेल्स जा टिश्यू आहिनि कुछ फाइबरस टिश्यू इन फाइबर्स उन बाद जो ब्लड टिश्यू इन यानी ब्लड आ उन बाद नर्व्स ठीक आ। ये शयू असाजे बोन के अंदर बोन के अंदर ठीक आ न। हाँ ऐसो हाँ ऐसो बाबा ऐसो बाबा हाँ हाँ अस स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ू न तो अस अगर बोन ऐसो हो बोन आसो वो कुछ इन स्ट्रक्चर जो आ ठीक आ। सपोज कर असो बोन ठाको आ ठीक है एकड़ो बोन ठाको आ। हाँ इन बोन के अस रीजन्स के नाला दूँ था हि जो रीजन आ न चोटी जो टिप आहेवारी मथी हेठी इन टिप जो नालो आ एपिफाइसिस। छा नालो आ बाबा इन जो नेम आ एपिफाइसिस सही आ। इन जो भी नालो छा है एपिफाइसिस। आई ही जो रीजन आ टिप के छड़े करे ही वारो सजो इन्हीं जो नालो आ डायाफाइसिस। एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस आई जो डायाफाइसिस आ उन्हीं के शेफ्ट भी चवंदा हूं शेफ्ट ठीक आ। डायाफाइसिस के भी शेफ्ट चवंदा हूं इन रीजन के ठीक आ। हाँ अगर असा बोन जो लाइनिंग्स पढ़ूं तो बोन के मथा मथा बाहरी बाहरी वो जो कवरिंग आ ये वारी जो कवरिंग आ ये दिसंदा अचो मथी मथी जेका इहा कवरिंग आहे इन जो नालो आहे बारी 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 माना पहिरीं इन जो नालो छा आहे बाबा इन जो नालो आहे पेरी ओस्टियम। छा नालो आहे कमेंट में लिखंदा हलो या ॿुधाईंदा हलो पेरी ओस्टियम ठीकु आहे पढ़ंदा हलो रटिजी वञनि जीअं पेरी ओस्टियम। ऐं पेरी ओस्टियम खां अंदरि सेकंड नंबर ते हलो सेकंड खे छॾे करे पाण सेंटर ते हलूं था डायरेक्ट डायरेक्ट हलूं था सेंटर ते। सेंटर ते हिकड़ी इन जे अंदर केनाल आ सेंटर ते हिकड़ी छा है केनाल आ उहा जेका केनाल आ उहा केनाल भरियल आ हिकड़े केनाल जेका केविटी आ इनखे चवंदा बोन जी केविटी या बोन जी छा है केविटी आ। ऐं इहा केविटी भरियल आ हिकड़े बोन मेरो सां उन्हीं जो नालो आ येलो बोन मेरो। विच विच में हिकड़ी केनाल आ केविटी या होलो केविटी या बोन होलो हुंदा आहिनि न उन्हीं केविटी के असां छा चयोसीं उन्हीं खे चयोसीं बोन जी केविटी होलो केविटी जंहिंजे अंदरि बोन मेरो आहे जंहिंखे चवंदा येलो
बोन मेरो जो मां ब्लू पेन से लिखो है येलो बोन मेरो जा टाइप होंदा है रेड हाँ रेड जो येलो ठीक है हाँ दिसो यो दियो येलो बोन मेरो उन बाद हाँ दिसो हाँ जेका ही रीजन आ ही वारो ही सजो असांजो हे रीजन भरला रेड कलर जे बोन मेरो सा जैके असा चौंदा रेड बोन मेरो जो यो मतलब ना है तो रेड मोरो बोन मेरो सिर्फ इपिफाइसिस रीजन दे आ अंदर भी आहे ठीक आ पर अंदर जो रेड बोन मेरो जी नंबर आ वो बिल्कुल घट आ निगलिजेबल आ रेड बोन मेरो जो घणो आ वो इपिफाइसिस रीजन दे आ सही आ तो हे छा थी वयो असांजो हाँ ये थी वयो असांजो रेड बोन मेरो ठीक आ अब एस तई गाल क्लियर हाँ बुधो बाहरी लेयर छा पड़ी से पेरी ओस्टियम का बाद एकड़ी लेयर आ जैके चौंदा एंडो ओस्टियम छा नालो थस इनका अंदरी जो लेयर जो नालो आ एंडो ओस्टियम ओस्टियम माना बोन एंडो ओस्टियम जेका है ना बल लेयर ते मुश्तमिला एकड़ी बाहरा वारी लेयर जैमे कंपैक्ट बोन आ आई भी अंदरिया वारी लेयर जैमे स्पॉन्जी बोन आ गौर से समझो था ना अगर गौर आहे तो ठीक न तो मां थोड़ो इन बोन जी साइज के वड़ो कया ताकि तांके स्क्रीन में क्लियर नजर अचे ठीक है ये मां छा तो ठाया मार्कर सा बुधायो त ए पेरिओस्टियम ठाई मां सागी पेरिओस्टियम मां ठायम 12 पेरिओस्टियम खा मन प्रोटेक्टिव लेयर पेरिओस्टियम चौधारिया जाडा काडा है पेरिओस्टियम खा बाद मां रेड कलर सा मां वो ठाया मदो एकड़ी लेयर जैमे मां जरे जी भी स्पेस न तो रखा जैमे मां जरे जी भी स्पेस न तो रखा यो जका लेयर आ इनी में सेल कंपैक्ट है ने छाए ने कंपैक्ट सेल है ने मन सेलन जे विच में काय भी किस्म जी स्पेस ना है एड़े तरह सा हेड़ा बोंदी सही आ त इनी रीजन के छा चवंदा दे बाबा पेरिओस्टियम का अंदर जको एंडोओस्टियम जो पहरियो पार्ट आ कंपैक्ट रीजन छो कंपैक्ट रीजन चयो सेवा स्पंजी बोन ना स्पंजी अंदर आ कंपैक्ट बोन छो कंपैक्ट सेल उनन के चेबो आ जै सेलन जे विच में इंटर सेलुलर स्पेस न होजे हिते जके सेल है न उए मजबूती सा अटैच थेल है न कंपैक्टली अटैच थेल है न इन जे विच में कोई भी गैप ना है इन जे करे पेरिओस्टियम का अंदर जका एंडोओस्टियम जी फर्स्ट लेयर आ उन्हीं के चौंदा कंपैक्ट रीजन का बाद एंडोओस्टियम जी सेकंड लेयर होंदी जैके चौंदा से स्पंजी रीजन रिपीट कयो मां अना पढ़ायो ही ना है हाने पढ़ाया दो स्पंजी के ठीक आ मां सब रिपीट कंदो मुजी गाल बुधदा वणो 12 पेरिओस्टियम एंडोओस्टियम के छड्यो एंडोओस्टियम ब लेयर ते मुश्तमिल आ 12 पेरिओस्टियम वो एंडोओस्टियम जी कंपैक्ट रीजन का अंदर हाने हे रीजन आ ओहे मां ब्लू पेन सा ठाया दो ब्लू पेन नजर अचे थी ना हे रीजन दिसो ओहे रीजन जको मां ठाया दो हे वारो यो सही हे जको ब्लू कलर सा मां रीजन ठायो आ यो असा जो थियो स्पंजी रीजन सही आ ब्लू कलर सा हे जको मां रीजन ठायो यो छा थियो स्पंजी रीजन सीक्वेंस बुधो बीहर सफा बारी लेयर छा है कमेंट में लिखो पेरिओस्टियम उन बाद एंडोओस्टियम जी केड़ी लेयर आ कंपैक्ट बोन खां बाद एंडोओस्टियम जी बी लेयर आ जैके चौंदा स्पंजी माना जेका एंडोओस्टियम आ वो ब लेयर ते मुश्तमिल आ आउटर दैट इज कंपैक्ट बोन कंपैक्ट सेल जी ठहियल आ
एंड इनर वन दैट इज स्पंजी जेका स्पंजी सेल माना इते जेके बोन आ वो खोखलो आ उते सेलन जे विच में छा है स्पेस आ तंहिंजे करे स्पंजी रीजन चऊंसि था स्पंजी रीजन घणो हूंदो आ बोन में स्पंजी रीजन फंक्शनल हूंदो आ ठीक आ स्पंजी रीजन खां अंदर छा है भला स्पंजी रीजन खां अंदर छा हुयो रेड बोन मेरो खां अंदर एकड़ी कैविटी आ ठीक आ कैविटी आ बोन जी कैविटी जंहिंजे अंदर येलो बोन मेरो आ अच्छा मूंखे ॿुधायो जेको येलो बोन मेरो आहे उहो त विच कैविटी में आहे जेको मां ब्लू कलर सां लिखियो आहे रेड बोन मेरो घणो किथे आहे शेफ्ट में या एपिफाइसिस में डायाफाइसिस में या एपिफाइसिस में रेड बोन मेरो एपिफाइसिस में वधीक आहे ठीक आहे ठीक बाबा एसि ताईं क्लियर थी वई ॻाल्हि एसि ताईं असांजी ॻाल्हि क्लियर थी वई हाणे इम्पॉर्टेंट ॻाल्हियूं कयूं था ॿियूं अचो बाबा हाणे सम्झंदा हलो गौर सां असांखे ख़बर आहे त बोन सेल जे अंदरि डिपोज़िट थियलु हूंदो आहे कैल्शियम थियलु हूंदो आहे फॉस्फेट ऐं थियलु हूंदा आहिनि आयंस कार्बोनेट ठीकु आहे इहा ख़बर आहे उन खां बाद असांखे इहा बि ख़बर आहे बुक में चए थो मोस्ट ऑफ द स्पंजीज प्रेजेंट इन द एपिफाइसिस हा सही थो चए न बाबा स्पंजी जेके जो घणो जेको पोर्शन आहे उहो एपिफाइसिस रीजन में आहे इनजे करे तव्हां जेको एपिफाइसिस रीजन ॾिसंदव उहो सॉफ्ट ॾिसंदव बोन जो इहे जेको रीजन आहे न बाबा इहो सॉफ्ट हूंदो आहे इनजे करे हिते स्पंजी घणो रीजन हूंदो आहे हेॾे वरी स्पंजी घटि आहे पर घटि आहे कंपेक्ट रीजन वधीक आहे तंहिंजे करे इहे पासो मज़बूत हूंदो आहे बोन जो ठीकु आहे बाबा चेट जेका आहे न चेट अहिड़ी न कयो वाकई ठीकु आहे कम जी ॻाल्हि कयो लेफ्ट साइड स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन त पूरी नज़र अचे थी मूंखे क्लियर आहे मुंहिंजे अॻियां आहे स्क्रीन थोरो जो चओ था तव्हांखे थोरो मूव करायोसीं सही आहे छॾियोसि ओके आहे अबा एसि ताईं ॻाल्हि ओके आहे न हाणे अचो ॾिसो हाणे हेॾे गौर सां सम्झो हाणे मां चवां थो जेको बोन आहे बोन जो सेल छा मां ठहंदो आहे बोन जो सेल बॉडी जे जंहिं सेल्स मां ठहंदो आहे उन खे चवंदा आहियूं ऑस्टियोजेनिक सेल छा ऑस्टियोजेनिक सेल्स इन्हनि मां बोन ठहंदो आहे इन्हनि मां बोन जी फॉर्मेशन थींदी आहे ऑस्टियोजेनिक सेल्स मां बोन सिंथेसाइज़ थींदा आहिनि ऐं हाणे टाइप्स आहिनि बोन जा इन मां जेके ठहंदा बोन जे सेल जा हिकिड़े खे चऊं था असां हिकिड़े खे छा नालो ॾियूं था ऑस्टियोब्लास्ट गौर आहे हेॾे ॾिसो बाबा ख़्यालु कयो हे मां ठाहियो ऑस्टियोब्लास्ट नंढिड़ो सेल आहे इहो वॾो थियो इन पंहिंजी साइज़ इनक्रीज़ कई ऑस्टियोब्लास्ट जॾहिं साइज़ इनक्रीज़ कयई इनक्रीज़ करण खां बाद इहो प्रोड्यूस करे थो हिकिड़ा फाइबर उन्हनि फाइबर्स खे चऊं था कोलाजिन फाइबर कंहिं प्रोड्यूस कया कोलाजिन फाइबर ऑस्टियोब्लास्ट जॾहिं कोलाजिन फाइबर प्रोड्यूस कयई त उहे कोलाजिन फाइबर पाण वटि रखे छा ॿाहिरि कढंदो न ॿाहिरि कढंदो त जेके कोलाजिन फाइबर आहिनि उहे हिन मां रिमूव थींदा ऐं सॼा कोलाजिन फाइबर जेके आहिनि उन बोन जे सेल जे ॿाहिरां कवरिंग ठाहींदा या स्पेस भरींदा सॉरी स्पेस भरींदा जेका हीअ स्पेस आहे हीअ वारी उहे जंहिं स्पेस में इहे थ्रेड आया आहिनि कहिड़ा थ्रेड आया आहिनि कोलाजिन थ्रेड आया आहिनि उन स्पेस खे असां छा चऊं था मैट्रिक्स त बुक वारे लिखियो आहे फेडरल वारे ऑस्टियोब्लास्ट
नवा सेल आहिनि, न्यू बोन जा सेल आहिनि, अनमिनरलाइज आहिनि. सही आहे, अनमिनरलाइज आहिनि, नवां नवां आहिनि, मिनरल डिपोज़िट न आहिनि थियल, अनमिनरलाइज आहिनि. ऐं इहे ॿुधायां थो न बाबा, ॿुधो, अनमिनरलाइज आहिनि. इहे प्रोड्यूस कंदा कोलाजन, ईअं न लिखियो अथई, लिखियो अथई प्रोड्यूस कंदा मैट्रिक्स. मैट्रिक्स अबा मैट्रिक्स कीअं प्रोड्यूस कंदा? मैट्रिक्स ईअं प्रोड्यूस कंदा त कोलाजन सीक्रेट कंदा, उहा कोलाजन अंदरां वारी ॿाहिरि रिलीज़ थींदी. हाणे जेको ई सेल कोलाजन प्रोड्यूस कयईं, कोलाजन ॿाहिरि कढियईं, कई कोलाजन प्रोड्यूस करे ॿाहिरि रिलीज़ कई, माना मैट्रिक्स ठाही कई, ऑस्टियोब्लास्ट, इन ऑस्टियोब्लास्ट के हाणे इन कम करण खां बाद कोलाजन प्रोड्यूस करे उनखे रिलीज़ करण खां, मैट्रिक्स जे ठहण खां बाद हाणे चऊं था ऑस्टियोसाइट. छा चऊं था? हाणे चऊं था इहो कन्वर्ट थी वियो छा में? कोलाजन प्रोड्यूस करे मैट्रिक्स ठाहियईं, हाणे इन खे चऊं था ऑस्टियोसाइट. माना ऑस्टियोसाइट जेको आहे इहो हिकिड़ो अडल्ट सेल आहे, अडल्ट बोन जो सेल आहे, जेको ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आहिनि बोन जे अंदरि, एंजाइम जो ठहणु, एंजाइम जो फंक्शन, मेटाबॉलिज़म, केमिकल रिएक्शन, ऐं इवन कैल्शियम जी डिस्ट्रीब्यूशन वग़ैरह सॼो ऑस्टियोसाइट ते कंट्रोल आहे. सही आहे, सही आहे. हेसि ताईं ॻाल्हि, ऑस्टियोसाइट कंहिं मां इवॉल्व थियो? कमेंट में लिखो, ऑस्टियोसाइट इवॉल्व थियो आहे ऑस्टियोब्लास्ट मां. ऑस्टियोब्लास्ट न्यू सेल आहे, ठीकु आहे. ऑस्टियोसाइट मेच्योर सेल आहे, ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोसाइट एडल्ट एज में बोन जा सॼा फंक्शन परफॉर्म कंदो, जेके बि फंक्शन आहिनि. अवा अचो हाणे थर्ड नंबर ते, थर्ड नंबर ते हिकिड़ो सेल आहे जंहिंजो नालो आहे ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट जे लाइ ॻाल्हि ॿुधो, इम्पोर्टेंट. ऑस्टियोक्लास्ट अहिड़ो सेल आहे जेको बोन खे डिज़ोल्व कंदो, बोन खे डिज़ोल्व कंदो, ब्रेक कंदो, डैमेज कंदो. अबा कॾहिं डैमेज कंदो? तॾहिं डैमेज कंदो जॾहिं बोन में कोई फ्रैक्चर आयो हुजे, या तॾहिं ब्रेक कंदो जॾहिं ब्लड में कैल्शियम जी कमी हुजे. ॿ मेन ॻाल्हियूं, कॾहिं बोन खे डिज़ोल्व कंदो, ट्रोड़ींदो, ब्रेक कंदो जॾहिं कोई फ्रैक्चर, हितां धकु लॻी वञे, हितां बोन कटिजी वञे थो, त पोइ हिननि बोन जे सेल्स खे जोड़ण जे लाइ इहो पहिरियां मथियां मथियां जेके सेल आहिनि, सपोज़ कयो हीउ बोन हुयो, बोन हितां कटिजी वियो आहे. हाणे कटिजी वियो आहे त इहे पार्ट कीअं ॻंढिजनि? त ऑस्टियोक्लास्ट ईंदो, मथां वारा जेके सेल आहिनि उन्हनि खे छा कंदो? डिज़ोल्व कंदो, उन्हनि खे मारींदो, उन्हनि खे ख़तमु कंदो, ताके अंदरां वारा जेके फ्रेश सेल आहिनि, नॉर्मल सेल आहिनि, उन्हनि खे डिवीजन जो चांस मिले, त रिपेयर थिए. सही आहे, माना फ्रैक्चर्ड बोन में इन जो जेको मेन कमु आहे उहो रिपेयरिंग कराइण में कमु आहे. छा कंदो इहो? जेके आउटर सेल्स आहिनि उन्हनि खे डिज़ोल्व कंदो. केरु? ऑस्टियोक्लास्ट. मां ऑस्टियोक्लास्ट जी ॻाल्हि लास्ट में सही तरीक़े सां तव्हांखे सम्झाईंदुमि सभिनी जी, पर मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधंदा हलो. ऑस्टियोक्लास्ट छा कयो? जॾहिं फ्रैक्चर थियो त मथियनि सेल्स खे डैमेज कयईं, डिज़ोल्व कयईं, ब्रेक कयईं. उनखां बाद जॾहिं ब्लड में कैल्शियम जी ज़रूरत आहे, जॾहिं ब्लड में कैल्शियम जी ज़रूरत आहे, उन महिल बोन जे सेल खे मारींदो आहे, बोन जे सेल खे मारींदो आहे. बोन जे सेल खे मारींदो त छा थींदो, कहिड़ो फ़ाइदो थींदो ॿुधायो त कमेंट में. बोन जे सेल खे मारण सां कैल्शियम निकिरंदो, कैल्शियम निकिरंदो, उहो कैल्शियम ब्लड खे ॾिबो. हा, कैल्शियम ब्लड खे ॾिबो त ब्लड जी कमी पूरी थींदी. मूंखे ॿुधायो, वधीक इम्पॉर्टेंट बोन आहे या ब्लड आहे? ब्लड वधीक इम्पॉर्टेंट आहे न, ब्लड खे कैल्शियम ॾिजे न अॻु में. बोन त सपोर्ट ॾियनि था, ब्लड में वाइटल एक्टिविटीज़ थियनि थियूं, कैल्शियम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करे थो. इन जे करे इहो ऑस्टियोक्लास्ट चए थो ईअं न थींदो, मां जेको आहे त कैल्शियम लाज़मी ब्लड खे ॾींदुमि, इन जे करे मूंखे बोन जे सेल खे डैमेज करिणो पवंदो, डिस्ट्रॉय करिणो पवंदो, डिज़ोल्व करिणो पवंदो. बोन जे सेल खे डिज़ोल्व करे ऐं कैल्शियम प्रोवाइड करे थो कंहिंखे, ब्लड खे. कैल्शियम प्रोवाइड ऑस्टियोसाइट बि कंदो आहे, कैल्शियम जी रेगुलेशन आहे उहा. हे एमरजेंसी में जेको आहे त ब्लड खे कैल्शियम ॾिए थो ऑस्टियोक्लास्ट, ठीकु आहे.
इमरजेंसी में ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अच्छा उन बाद मां चवा तो जो ऑस्टियोक्लास्ट आ यो रिपेयर में रोल प्ले करे दो, आए बोन जी ग्रोथ में रोल प्ले करे दो, सही है। ये फंक्शन है ने ऑस्टियोक्लास्ट आए ऑस्टियोसाइट जा, ठीक बाबा। ऑस्टियोसाइट आए ऑस्टियोब्लास्ट रिपीट कयो, ऑस्टियोब्लास्ट जो आ ना ऑस्टियोब्लास्ट बुधो गौर से, न्यू ठयल एकड़ो सेल आ, नव ठयल एकड़ो सेल आ जेको वडो थी करे कोलाजिन फाइबर प्रोड्यूस करे उन्हें के बाहर रिलीज करे थो, जी उन्हें के रिलीज करे थो तो कन्वर्ट थी वजे थो ऑस्टियोसाइट में, माना जेको ऑस्टियोसाइट आ वो मॉडिफाइड फॉर्म आ कहो ऑस्टियोब्लास्ट जो, माना ऑस्टियोब्लास्ट न्यू सेल आ, ऑस्टियोसाइट मैच्योर सेल आ, ऑस्टियोक्लास्ट रिपेयरिंग ग्रोथ करण जो सेल आ। ठीक आ, ग्रोथ में रोल प्ले करे तो ऑस्टियोक्लास्ट बाबा, ऑस्टियोक्लास्ट ग्रोथ में रोल प्ले कंदो, सही आ। बोन के डिस्ट्रॉय करण जो कम भी ऑस्टियोक्लास्ट कंदो, ठीक थी वो। ब्लड के में कैल्शियम डिपोजिशन भी मां लिखियो आ बोर्ड ते, फास्फेट डिपोजिशन भी ऑस्टियोक्लास्ट कंदो, ठीक आ। ग्रोथ एंड रिपेयर भी मां बोर्ड ते लिखियो आ ऑस्टियोक्लास्ट कंदो। इते आर्थराइटिस पेंजी बची आ, आर्थराइटिस पढ़ाऊं बीमारी उन खां बाद जेको आ त पण के नए चैप्टर के शुरू कयूं दा, वो नओ चैप्टर जेको तां चओ वो शुरू कयूं दा आर्थराइटिस। फोटो कढ़ाऊं इन जो आर्थराइटिस के पढ़ी वठूं, अला फोटो तो कढ़ जो। हाँ गुआट गुआटी पढ़ाया दो, गुआटी पढ़ाया दो, गुआटी आर्थराइटिस जो टाइप आ। दिसो बाबा आने आर्थराइटिस जिको लफ्ज आ आर्थो, आर्थो लफ्ज जी माना है जॉइंट, ठीक आ। माना आर्थराइटिस जेका है वो डिजीज आ कहीं जॉइंट जी डिजीज आ, सही आ, जॉइंट जी डिजीज आ। थींदो छा है आर्थराइटिस में जॉइंट में इन्फ्लामेशन थी वेंदी आ, स्वेलिंग थी वेंदी आ, सोज थी वेंदी आ। अगर इन्फ्लामेशन थी वजे थी तो माखे बुधायो केड़ा केड़ा सिम्टम इंदा, केड़ा केड़ा सिम्टम इंदा जी इन्फ्लामेशन थी या, ठीक आ। इन्फ्लामेशन थी या तो सिम्टम अपीयर थींदा, जेके सिम्टम्स हुंदा पहरियों पहरियों सिम्टम जेको आ स्वेलिंग खां बाद पेन थियण शुरू थींदो, पेन थींदो घुमण में फिरण में मूव करण में रनिंग करण में जंप करण में पेन थींदो। अगना हली करे या कंडीशन एतरी सीवियर थी वेंदी जे रेस्टिंग कंडीशन में मानू वेठो हुंदो ना, रेस्टिंग कंडीशन में भी हाई लेवल जो सीवियर टाइप जो माना तेज तरीन जेको आ त पेन थींदो आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन सोज। उन खां बाद जॾहिं इहो पेन थी वियो पहिरीं या निशानी पेन जो हुजणु, सही आहे, मूव करण जे दौरान
बे नंबर ते रेस्टिंग में भी पेन थींदो, टे नंबर ते बाबा जेका हिन जी सिम्पटम आहे वॉइस साउंड प्रोड्यूस थींदो, साउंड क्रिएट थींदो जॉइंट्स मां। जॉइंट जॾहिं माण्हू मूव कंदो न, मूव करण जी कोशिशि कंदो त जॉइंट मां आवाज़ु ईंदो, सही आहे, साउंड प्रोड्यूस थींदो हिकिड़ो। छो साउंड प्रोड्यूस थिए थो? चोथों सिम्पटम आहे हिन जे करे। कहिड़ो चोथों सिम्पटम आहे? चोथों सिम्पटम इहो आहे त जेका जॉइंट जी मूवमेंट आहे उहा रिड्यूस थी वई आहे। अब हाणे जॾहिं जॉइंट में पाणी भरिजी वियो या जॉइंट में कार्टिलेज डिफेक्ट थी वई या जॉइंट में को ऑटो इम्यून डिसऑडर कयो आहे, जॉइंट जी फ्लैक्सिबिलिटी त न रहंदी, जॉइंट जी उहा मूवमेंट त न रहंदी। जॾहिं जॉइंट मूव न करे सघंदो पोइ बि असांखे हुनखे मूवमेंट कराईंदासीं त पोइ साउंड प्रोड्यूस कंदो, फ्रैक्शन जेका आहे उहा थियणु शुरू थींदी, रबिंग थियणु शुरू थींदी, सही आहे, ईअं थींदो न बाबा, ईअं थींदो। त हाणे पुछूं था आर्थराइटिस थी छो भला, इंफ्लामेशन थी, पेन थियो, रेस्टिंग में भी पेन थियो, मूवमेंट ख़तम थी वई, फ्रैक्शन वधी वियो ऐं साउंड प्रोड्यूस थियो, छो बाबा? इन जे करे त आर्थराइटिस जा खोड़ सारा टाइप आहिनि, खोड़ सारा टाइप आहिनि आर्थराइटिस जा, जंहिंमें हिकिड़ो असांखे बुक वारो ॿुधाए थो उहो आहे ओस्टियो आर्थराइटिस, सही आहे। ओस्टियो आर्थराइटिस अहिड़ो टाइप आहे आर्थराइटिस जो जंहिंमें जेको बोन आहे ऐं बोन जे मथां छा जी कवरिंग हूंदी आहे ॿुधायो, तव्हां चओ था कार्टिलेज हूंदी आहे, जेका कार्टिलेज हेॾां आहे त हेॾां बि छा हूंदी? कार्टिलेज हूंदी, पोइ हेॾां छा हूंदो? बोन। माना हे बोन ऐं हे बोन विच में जेके कार्टिलेज आहिनि, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज कंहिंखे चवंदा आहियूं जेके हिक ॿिए जे साम्हूं हुजनि। अबा हे हॾो आहे मुंहिंजो, हे हॾो आहे, इहे पाण में ॻंढियल आहिनि, विच में कार्टिलेज आहिनि न, हिकु हुन बोन ते हिकु हुन बोन ते। उन कार्टिलेज में डिफेक्ट पइजी वेंदो आहे, उहा कार्टिलेज छा थी वेंदी आहे? इहा कार्टिलेज वेरी 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 सॉफ्ट थी वेंदी आहे। सॉफ्ट थियण खां बाद इहा रिमूव थियणु शुरू थींदी, ब्रेक थियणु शुरू थींदी। जॾहिं रिमूव थियणु शुरू थींदी या ब्रेक थियणु शुरू थींदी, अहिड़ी कंडीशन खे असां चवंदासीं ओस्टियो आर्थराइटिस। छो? छो त जॉइंट सां गॾो गॾु बोन ते बि इफेक्ट आहे। हूअं त अगरि जॉइंट में पाणी भरिजे त बोन सां कोई रिलेशन न आहे, पर जॾहिं कार्टिलेज ख़तमु थिए थी त बोन ते असरु थींदो की न थींदो ॿुधायो? थींदो न, बोन ते असरु थींदो। त इन जे करे नालो रखियोसीं ओस्टियो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जा खोड़ सारा सबबु आहिनि, कोई इन्फेक्शन आहे पंहिंजी इम्यूनिटी जे करे आहे ऐं उन खां बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जे करे थिए थो, इहे शयूं पढ़ूं था। ॿिए नंबर ते आर्थराइटिस जो टाइप आहे, ॿिए नंबर ते आर्थराइटिस जो टाइप आहे जंहिंखे असां चऊं था रियोमेटॉइड या रूमेटस, रूमेटॉइड या रूमेटस आर्थराइटिस, रूमेटॉइड या रूमेटस आर्थराइटिस। हाणे रूमेटॉइड या रूमेटस आर्थराइटिस में छा थिए थो? इहो हिकिड़ो ऑटो इम्यून डिसऑडर आहे। अबा ऑटो इम्यून डिसऑडर जो मतिलबु छा आहे? पंहिंजे दिमाग़ खे कॾहिं कॾहिं ग़लति मैसेज मिली वेंदी आहे त फलाणे जॉइंट में हे एबनॉर्मलिटी आहे, त असांजी जेका खोपड़ी आहे उहा सॼी इम्यूनिटी जो जेको फंक्शन आहे उहो उन जॉइंट ते कराईंदी आहे। त जेको जॉइंट आहे, जेको जॉइंट आहे उहो सॼो पाणी सां भरिजी वेंदो आहे, इम्यूनिटी सॼी उन ते वञी अटैक कंदी आहे जॉइंट ते, जंहिंजे करे जॉइंट जी बीमारी थींदी आहे, आर्थराइटिस थींदी आहे। जॉइंट जी बीमारी माना आर्थराइटिस थींदी आहे, जंहिंखे असां ऑटो इम्यूनल आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस चऊं था। ठीकु आहे, ठीकु थी वियो बाबा? ऑटो इम्यून माना इम्यून सिस्टम जे करे जॉइंट में
इम्यूनिटी अची करे बीमारी कराई, इम्यूनिटी अची करे जॉइंट के डैमेज करायो। उन खां बाद बिया गुआटी, गुआटी चो पया न गुआटी, गुआटी आर्थराइटिस। हाने जका गुआटी आर्थराइटिस आ बियो कड़ो टाइप आर्थराइटिस जो पंजे फेडरल में ठीक है। बाबा हाँ गुआटी जो आर्थराइटिस गुआटी इको मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो मतलब है मान मेटाबॉलिज्म में एरर आ मेटाबॉलिज्म में एरर आ जैसे करे या डिजीज पैदा थे थी। मेटाबॉलिज्म में एरर आ इन जो मतलब आ सर्टेन इंजाइम्स हूंदा जेके पंहिंजो फंक्शन न करे सघंदा हूंदा, कोई केमिकल डिपोज़िट थींदो हूंदो, छा थींदो हूंदो, इंजाइम कमु कंहिंखे कन्वर्ट न करे सघंदा हूंदा त छा डिपोज़िट थींदो हूंदो, केमिकल उते स्टोर थींदो हूंदो, डिपोज़िट थींदो हूंदो। अब हाणे छा आहे, आहे चकर ईअं त कुझु पेशंट तव्हां ॾिठा हूंदा जंहिंजे जॉइंट्स जे अंदरि यूरिक एसिड स्टोर थींदो आहे, वधी वेंदो आहे। यूरिक एसिड जे वधण जे करे उहो यूरिक एसिड पोइ कन्वर्जन न थींदी आहे इन जी, यूरिक एसिड जी अक्यूमुलेशन जे करे उहो कन्वर्ट थींदो आहे सोडियम यूरेट, सोडियम यूरेट में, सोडियम यूरेट साल्ट में। हाणे सोडियम जेको यूरेट आहे इहो आर्थराइटिस काज कराईंदो आहे, आर्थराइटिस काज कंदो आहे, इहो अक्यूमुलेट थींदो आहे अची करे असांजे जॉइंट में। सोडियम यूरेट कंहिं मां ठहियो, यूरिक एसिड मां ठहियो। यूरिक एसिड छो अक्यूमुलेट थियो, छा जे करे इंज़ाइम जी डिफिशंसी हुई, जंहिंजे करे इंज़ाइम न हुया उनजे करे जेको सोडियम यूरेट यूरिक एसिड स्टोर थियो, यूरिक एसिड कन्वर्ट थियो आहे सोडियम यूरेट में, ऐं जेका सोडियम यूरेट आहे उन बीमारी गई आहे। अगरि सिस्टम हुजे या मैकेनिज़म हुजे या सोडियम यूरेट जे रिमूवल करायो आहे त आर्थराइटिस जहिड़ी जेका बीमारी आहे उहा न थिए हा। ठीकु आहे, इन ताईं पंहिंजो असांजो जेको चैप्टर आहे उहो सॼो कंप्लीट थी वियो, सही आहे। बाक़ी हाणे न्यू चैप्टर जे लाइ ॿुधायो, सजेशन ॾियो त छा कजे, कहिड़ो चैप्टर स्टार्ट कजे, नओं चैप्टर चेट था खोलियो बंदि कई न, न्यू चैप्टर कहिड़ो पढ़ूं बाबा ॿुधायो त, मैसेज त कयो, न्यू चैप्टर कहिड़ो पढ़ूं, इवोल्यूशन जेनेटिक्स, इवोल्यूशन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स, अच्छा जेनेटिक्स पढ़ंदासीं बस बाबा, सभई ॿार चवनि था जेनेटिक्स, जेनेटिक्स पढ़ंदासीं बिल्कुलु, जेनेटिक्स पढ़ंदासीं 90% स्टूडेंट चवनि था जेनेटिक्स पढ़ंदासीं। हा इवोल्यूशन हिकिड़े ॾींहं जो आहे, इवोल्यूशन हिकिड़े में थी वेंदो। गुआटी आर्थराइटिस जेका आहे न, गुआटी आर्थराइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे न बाबा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे। जेनेटिक्स वॾे कम जो आहे, इवोल्यूशन कम जो आहे, न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऐं रिप्रोडक्शन, ही चार चैप्टर करे वठूं, इहे ॾाढे कम जा आहिनि। इंटर जो कोर्स थोरो ॾिनो अथऊं, ॿुधो न, इंटर जो कोर्स थोरो ॾिनो अथऊं, उन खे पाण खे सुठो कवर करिणो आहे। इंटर जा चैप्टर घटि आहिनि, मूंखे ईअं लॻे थो इंटर घणी खणंदा त इंटर मां असांजो कोई टॉपिक ई न रहे, इंटर खे असां क्लियर कयूं। ठीकु आहे, हा इनशाला इनशाला सॼो कोर्स थींदो, कोई टॉपिक न रहंदो तव्हांजो। हा हा कोशिशि, हा प्लांट वारो रहियल आहे थोरो, उहो पढ़ी वठंदासीं, दिलि जाए कयो।
मां चवां तो यो हिकड़ो दिन भी फर्स्ट ईयर ते न लगायो इंटर ते लगायो नर्वस सिस्टम भी पढ़दा दे पहरे जेनेटिक्स पढ़ाउंदा सर बुधायो त वाटर किए इंदो बोन में वाटर 15 का 20% हुंदो आ बोन में ब्लड जी सप्लाई हुंदी आ ना बाबा बोन में शुरुआत में पड़े होसे ना ब्लड हुंदी आ ब्लड जे जरिए वाटर इंदो ना ओए जो को एपिफाइसिस आन में मिटाए छरियो आ मार अगर दिसा तो बोन के एपिफाइसिस रीजन ना ब्लड वेसल इंदी न्यूरॉन इंदा एपिफाइसिस वधिक स्पंज इन जे करे हुंदो आ ना हां ठीक आ हाने हाने ता जो हलदो फिजिक्स जो पीरियड सर अचे दो ऑस्टियो आर्थराइटिस रिपीट कयो थोरो ऑस्टियो आर्थराइटिस जेको आ हिकड़ो कार्टिलेजिनस डिसऑर्डर आ जेमें कहीं रीजन जे करे कार्टिलेज जेका है उहा सॉफ्ट थी वेंदी आ सॉफ्ट थियण खां बाद जॉइंट जे हलण जे करे उहा रिमूव थियण शुरू थींदी आ घणी सॉफ्ट थी वेंदी न पोइ उहा रिमूव थियण शुरू थींदी जीअं रिमूव थींदी त उन जे करे हिकड़ी बीमारी पैदा थींदी जॉइंट एबनॉर्मल थींदो वेंदो जॉइंट सुजंदो वेंदो जॉइंट में इन्फ्लामेशन थींदी जंहिंखे असां आर्थराइटिस चवंदासीं पर ऑस्टियो आर्थराइटिस हलो अरे भला अहिड़ी चेट लॻी पई आहे ॾाढी चेट लॻी पई आहे केरु मोह ॾेई चेट ते कमेंट